अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की आज़ादी में उर्दू सहाफत का अहम रोल, जंग आज़ादी में हिस्सा ना लेने वाली शख्सियात को बड़ा चढ़ा कर पेश करने की मजम्मत, जश्न उर्दू सहाफत से मुखर्रीन का खिताब। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार और जुलूस के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त, आला अहदेदारों ने बंदोबस्त का लिया जायजा, सियासी कायदीन भी लाल दरवाजे में वाक़ मंदिर पहुंचे। बी एन रेड्डी नगर कॉलोनी वनसलीपुरम में बी टेक साले सुवम की तालिबा तीसरी मंजिल से गिरकर फौत, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से जश्न उर्दू सहाफत चंद्र श्रीवास्तव के साथ का इनेकाद मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में किया गया। जफर जावेद सेक्रेटरी सुल्तान उलूम सोसाइटी ने सदारत की, जबकि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। के श्रीनिवास रेड्डी सदर आई जे यू, डॉक्टर मीर नासिर अली खान एजाजी कौंसल जनरल खराखिस्तान, आमिर अली खान एडिटर रोजनामा सियासत, अजीज़ अहमद जॉइंट एडिटर रोजनामा एतमाद के अलावा मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना रियासती हज कमेटी ने मेहमानान एजाजी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इब्तदा में एम ए माजिद सदर फेडरेशन ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और जश्न उर्दू सहाफत मनाने के सिलसिले में रोशनी डाली। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन सैयद गौस मोहुद्दीन ने इंतजामात की निगरानी की और मेहमानों को तहनीत पेश की, जबकि हबीब अलजिलानी जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ने निजामत के फरायज अंजाम दिए। इस मौके पर बुजुर्ग सहाफ़ी और साबिक डायरेक्टर उर्दू एकेडमी चंद्र श्रीवास्तव को तहनीत पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। सीनियर और वर्किंग जर्नलिस्ट की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में मौजूद थी। शहर के नामवर उर्दू सहाफ़ियों को भी इस प्रोग्राम में तहनीत पेश की गई। और से तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तमाम जिम्मेदारान, जनाब माजिद साहब, जनाब सैयद गौस मोहुद्दीन साहब, जनाब हबीब अली जिलानी साहब और मोहम्मद रियाज अहमद साहब शरीक कन्वीनर, मैं तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब की खिदमत, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियों को सराहते हुए आज एक फंक्शन का इनेकाद यहाँ पर अमल में लाया। मैं जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह सुबहाना तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे और सेहत के साथ अल्लाह सुबहाना तआला आपकी उमर इतराजी फरमाए। और जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब से मेरी वाबस्तगी आप तमाम पर सब पर आया है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब मैं अमली सियासत में नहीं था, जब से मैं जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब को अपने मरहूम वालिद के साथ कई वक्त पर मैंने देखा है और चंद्र श्रीवास्तव साहब और मरहूम कायद सालार मिलर के साथ बड़ी खुर्बत थी और मरहूम कायद के साथ बहुत अहम सियासी मौजूआत पर, और जब कभी भी उस वक्त रियासत आंध्र प्रदेश के सियासी हालात उतार चढ़ाव जो पेश आते थे तो मरहूम कायद के साथ जनाब चंद्र साहब हमेशा बैठकर गुफ्तगू करते थे और एक लंबा अरसा जनाब चंद्र साहब ने उर्दू सहाफत के लिए दिया है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में एक लिविंग लेजेंड है जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब और ये बेहतरीन काम। दरअसल आज एक छोटी सी तकरीब रखी गई तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से, जो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और स्टेट की TUWJ के साथ इनका जो है इल्हाक है। ये तकरीब उर्दू सहाफत के मुल्क में 200 साल होने पर हुई है।
दरअसल देखिए, उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है और उर्दू जर्नलिज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज़ादी के बाद इसके पर जो हालत है उस पर काफ़ी जो है लोग फ़िक्रमंद हैं। आज़ादी की जद्दोजहद में उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा। अब जिस तरीके से उर्दू का रोल आज़ादी की जद्दोजहद में रहा, इस तरीके की जद्दोजहद अब आज़ादी के बाद भी उर्दू और उर्दू वालों को करनी हो रही है। 200 साल जश्न उर्दू सहाफ़त के ज़रिए हम सारे मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू ज़बान जो मोहब्बत की ज़बान है, वो ज़बान जो तहज़ीब की ज़बान है, वो इस नफ़रत के और हिकारत के माहौल में इस ज़बान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इसके ज़रिए मुल्क में जो बेचैनी फैली हुई है, मुल्क में जो तासुब बना हुआ है, उसको दूर किया जा सके। और जिस तरीके से हमारी जो मुश्तरका तहज़ीब है, सारे मज़ाहिब के लोग, सारी दीगर ज़बानों के लोग एकजुट होकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, ये हमारा मकसद है। अब जहाँ तक आज की तकरीब का सवाल है, आज की तकरीब दक्कन के बहुत ही सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं चंदर श्रीवास्तव साहब, ये 84 साल के हैं लेकिन अभी भी इनका कलम और इनकी ज़बान आज भी वलवला अंगेज़ है। उनको आज हम तहनीत पेश किए हैं। यही नहीं बल्कि ये हमारा सिलसिला पूरे साल जारी रहेगा। ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो गोशे गुमनामी में हैं, हम उनको भी मंजर-ए-आम पर लाएंगे और उनकी खिदमात के बारे में उन ज़रूर कौम को और दीगर अपने वतन को बताएंगे। यही नहीं बल्कि एक और चीज़ हम ये करने जा रहे हैं कि उर्दू अखबारात को घरों तक कैसे पहुँचाया जाए। इसलिए कि देखिए, जब कोई बुज़ुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो उर्दू का एक अखबार का खारी ख़त्म हो जाता है और अखबार की लाइन ख़त्म हो जाती है। उर्दू अखबार को घरों से जोड़ने का मकसद ये है कि नई नस्लों को उर्दू की तहजीब, तमद्दुन और शायस्तगी से वाकिफ़ करवाना और उन जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है उनको उर्दू के तई फ़िक्रमंद बनाना है। तो ये हमारे प्रोग्राम हैं और हम ये भी काम करने जा रहे हैं कि हम उर्दू सहाफ़ियों के बारे में एक बुकलेट यानी किताबचा जो है जारी करने वाले हैं, जिसमें इनके तारुफ़ पेश किया जाएगा। यकीनन हम चाहते हैं, जैसा कि आज रेजोल्यूशन पास किया गया कि हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत ऑफिशियली उर्दू के 200 ईयर्स के ऊपर जो है वो एक कमेटी कायम करे और उर्दू का जश्न मनाए। ये हमारा मुतालबा है और ये हम साल भर काम करेंगे और आप लोग जो शिरकत किए इसके लिए बहुत ही ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्तादुल शोरा जनाब सैयद मसरूर आबेदी शर्फी का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा हज़रत पीरा शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वाक़े चंचलगुड़े में बाद नमाज इशा अदा की गई और तदफीन कब्रस्तान सुल्तान दायरे चंचलगुड़े में ही अमल में आई। पसमंदगान में एक लड़का और दो लड़कियाँ शामिल हैं। मसरूर आबेदी साहब का शुमार शहर के मारूफ शोरा में होता था, जबकि कई मजमू शेरी भी शाये हो चुके हैं। मसरूर आबेदी ने रूबी चैनल में प्रूफ रीडर की हैसियत से भी काम किया था। कांग्रेस अखिलियती कायद मुश्तबा आबेदी के वो भाई थे। मजीद तफसीलात मोबाइल नंबर 9160109771 या फिर 9959067119 पर भी रब्त किया जा सकता है। लाल दरवाजे में वाक़ अक्कन्ना मादाना मंदिर पहुंचकर रियासती वज़रा ने खुसूसी पूजा की और बोनाल त्यौहार के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर वज़रा और सियासी कायदीन मस्कुरा मंदिर पहुँचे थे। नाज़रीन इस खबर के साथ आइए देखते हैं दीगर अहम खबरें। पुराने शहर के लाल दरवाजे की महाकाली मंदिर में आज बोनाल त्यौहार का आगाज हुआ और सुबह ही से भक्तों की कतार देखी गई। रियासती हुकूमत की जानिब से वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार में शिरकत करते हुए आवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और बताया कि पुराने शहर का बोनाल त्यौहार तारीखी है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब मुल्क भर में मशहूर है। मस्कुरा वज़रा ने बताया कि बोनाल त्यौहार को पुरअमन बनाने के लिए रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रियासती वज़रा के अलावा बीजेपी और कांग्रेस कायदीन
और कई एक तेलुगु फिल्म अदाकार भी लाल दरवाजा पहुंचे और बोनाल त्यौहार में हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कल लाल दरवाजे ता नए पुल तक बोनाल जुलूस हाथी पर निकाला जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाके जात के रास्तों के रुख को मोड़ने का फैसला किया है। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव की सालगिरह तकारीब का इनेकाद तेलंगाना भवन में अमल में आया। इस तकरीब में वजीर दाखला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश व मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली D नागेंद्र, TRS कायद साई किरण यादव और दीगर ने शिरकत करते हुए केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। रियासती वजरा महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने KT रामाराव को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत के साथ राजी उम्र के लिए भी दुआ की। उन्होंने कहा कि KT रामाराव हरकियाती कायद हैं, उनकी क़यादत में तेलंगाना में IT शोबे को बड़े पैमाने पर फ़रोग दिया गया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने TRS रुकन असम्बली M किशन रेड्डी के हमरा रियासती वजीर KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के साथ 1,00,000 पौधे लगाए। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को लेकर अपोजिशन जमातों कांग्रेस और BJP की जानिब से रियासती हुकूमत और वजीर आला K चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनखीदों और इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट मुल्क और रियासत के माहिर इंजीनियर्स के मशवरे और निगरानी में तामीर किया गया है, इसमें किसी भी किस्म के नुस्ख का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों को पाए तकमील करने के बाद रियासत के किसानों की सैकड़ों एकड़ अराजी को पानी सैराब किया जा रहा है, जिससे बोकलाहट का शिकार होकर BJP और कांग्रेस कायदीन हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और निचली सतह की सियासत की जा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तेलंगाना में सैलाब और बारिश की वजह से होने वाली तबाही और नुकसान की पाबजाई के लिए रियासती हुकूमत से ताउन करते हुए मरकज की जानिब से फंड जारी करे। అక్కడ ముప్పు జరిగితే ఏ రకంగా ఉంటుందన్న దాని మీద వాళ్ళు కనీసం అవగాహన కూడా లేకుండా వాళ్ళకి తోచినటువంటి విధంగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది గర్హనీయం అది. ఇంకో మాట, ఓ నాయకుడు, ఓ పార్టీ నాయకుడు, కొంతమంది నాయకులు, బీజేపీ వాళ్ళు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడినారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంకా ఒక అడుగు ముందలకేసి మాట్లాడినప్పుడు అలా కాంగ్రెస్ కట్టినాడు, వీళ్ళ కాంగ్రెస్ లేరు, పుట్టను కూడా పుట్టలే, ఏదో వీళ్ళు ఇంటి జాగాలాగా మాట్లాడతారు పైన వేసుకొని. మా కాలంలో మేము కట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా మునిగిందా ఇట్లా సన్నాసి చెప్పని పెట్టారెడ్డిని ఉద్దేశించి మాట్లాడతాడు ఆయన ఇంత సంస్కారహీనంగా. కాంగ్రెస్ కట్టినవే కదా శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు మునగలే, 1998లో మునగలే, 2009లో మునగలే, MGKLI కొల్లా కలవకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ 2009లో మునగలే, 2014లో మునగలే. सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी की जानिब से दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास खोखला होकर रह गया है। पार्टी हेडक्वार्टर दार सलाम में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजारत इमकाना की एक स्कीम का हवाला देते हुए कहा कि बंडी वालों और रेल पटरियों पर छोटे कारोबारियों के
लिए शुरू की गई स्कीम में जुमला 32,26,000 अफराद को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिसमें सिर्फ 321 अखिलियती अफराद ही शामिल हैं। उन्होंने दीगर स्कीमात का भी हवाला दिया, जिसमें अखिलियतों के साथ की जा रही नाइंसाफ़ी को उन्होंने उजागर किया। हुकूमत हिंद की तरफ से जो बरसर इख्तदार जमात है बीजेपी की, और वज़ीर आज़म बार बार अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहते हैं कि उनकी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो हमेशा से एक झूठ साबित हुआ है। और अब भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत स्वनिधि एक स्कीम है, जिसमें ठेला बंडी या रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को इस मिनिस्ट्री ने 32,26,000 लोन दिया है, जिसमें से सिर्फ 331 अखिलियतों को दिया गया है। अरे भैया क्यों धोखा दे रहे माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को आप, जबकि हुकूमत के खुद आंकड़े डेटा ये बताता है 2009 और 10 का कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में जो शेयर है मुसलमानों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, खुद रोज़गार में, वो 50% है। भाई 50% अगर हिस्सा है मुसलमानों का और 331 खाली माइनॉरिटीज़ को मिलेंगे, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गोलवालकर और सावरकर का जो ख्वाब था कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न बनाना, वो काम कर रही हैं। और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो खुश होता है जब मुसलमानों से नाइंसाफ़ी होती है और उनको उनका हक नहीं मिलता। ये सिलसिला सिर्फ इस स्कीम तक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देख लिए मुसलमानों का शेयर कितना है, PMJB के स्कीम देखिए, उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। तो एक भाजपा की सरकार एक पूरे मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में उनका हिस्सा नहीं दे रही और बार बार झूठ बोलती है, ये RTI का रिप्लाई है। अब इस पर क्या जवाब देगी भाजपा बताइए। उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात चल रहे थे, मैंने उस वक्त उत्तर प्रदेश के दरमियान में हमारे अलायंस के जो पार्टनर थे बाबू सिंह कुशवाहा साहब, हम ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज अखिलियतों को कह रहे थे कि आप अपनी सियासी लीडरशिप बनाइए, समाजवादी पार्टी और उनके साथी सहयोगी पार्टियां मिलकर भाजपा को निहरा पाएंगे, गलती मत करिए। आज उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज हो या मुसलमान हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए कि चुनाव के वक्त तो बड़े बुलंदबांग दावे करके मुसलमानों से वोट लिए कि भाजपा को हराएंगे। मैं उस वक्त भी कहा था कि नहीं हरा पाएंगे, मैं कह रहा था कि अपनी लीडरशिप को बनाइए। आज आपने मुसलमानों का वोट तो हासिल कर लिया, अपनी अपनी दुकानों को चमकाया, आप सियासी तौर पर मोटे हो गए, इलेक्शन हो गया तो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियां तो अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। इन तमाम में अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ तो वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ है और हो रहा है कि बग़ैर प्रिंसिपल्स और नेचुरल जस्टिस फॉलो करे घरों को तोड़ दिया जा रहा है, झूठे मुकदमात में जेलों को भिजा दिया जा रहा है, कभी नमाज वहाँ पर पढ़े तो पकड़ कर जेल को भिजा दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह भी समझना चाहिए कि वो अपनी सियासी लीडरशिप जब बनाएंगे तभी आपकी नाइंसाफ़ी के दौर का खात्मा होगा। रियासती वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने TRS सीनियर क़ायदीन के हमरा दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़िए नाम पर ले पहुँच कर चादर गुल पेश की। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के जन्मदिन की निस्बत से वो दरगाह यूसुफ़ैन पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर KTR और वज़ीर आला KCR की सेहतियाबी के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह ख़ान के अलावा दीगर TRS क़ायदीन भी मौजूद थे। दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन पर हाज़िरी दिए हैं, इसमें ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह ख़ान साहब, बदर भाई साहब TRS से सीनियर क़ायद, हमारे महबूब साहब सैयद महबूब साहब और बहुत से हमारे मुबीन साहब और दिगर कई क़ायदीन जो है, और क़य्यूम अनवर साहब भी आज तशरीफ़ लाए हैं। ख़ास तौर से आज यहाँ गिरा कर हमारे आनेबुल CM साहब के लिए और हमारे जो वर्किंग प्रेजिडेंट हैं KT रामाराव साहब के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। बहुत से लोग बहुत सी जगह जाकर गरीबों के लिए बहुत खिदमत की है और यहाँ दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन एक ऐसी दरगाह है, यहाँ पर जो भी आकर जो मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। तो हमने तेलंगाना के मूवमेंट के टाइम पर भी हमारे CM साहब ने यहाँ मन्नत की थी और यहाँ कई बार हाज़िरी दी, हम लोग भी कई बार हाज़िरी दिए। आज ख़ास तौर से
हमारे हरदिल अजीज जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, डायनेमिक मिनिस्टर है, केटी रामाराव साहब का जन्मदिन है, उसके लिए यहाँ उनकी ख़ास तौर से सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई। और सीएम साहब जिस तरह हमारे पास हुकूमत चला रहे हैं, हिंदुस्तान में इतनी सेकुलर हुकूमत कहीं पर भी नहीं है इस तेलंगाना स्टेट में। सीएम साहब ने तेलंगाना हासिल किया काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, और इस तेलंगाना को गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना बनाने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में वो हमारे केसीआर साहब। आज केटी रामाराव साहब का जन्मदिन पर बहुत यहाँ पर गिराकर हमारे इमाम साहब और उनके वालिद मोहतरम साहब जो बुजुर्ग यहाँ के मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भी दुआ की है कि अल्लाह ताला हमेशा केसीआर साहब को सेहत दे और केटीआर साहब को भी सेहत दे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें हम मुबारकबाद भी देते हैं। इत्तेफाक से कल जो है थोड़ा स्लिप होने की वजह से उनको पाँव को ज़रा सा मार लग गया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हज़रत क़िबला के पास गिरा कर गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतमंद बना दे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बोनाल त्यौहार और पीर को निकाले जाने वाले जुलूस के सिलसिले में सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया है। एडिशनल कमिश्नर DS चौहान ने पुराने शहर में दीगर आला अहदेदारों के साथ इंतजामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। वाज़ेह कि बोनाल जुलूस पीर को सपहर 3 बजे लाल दरवाज़ा मंदिर से निकलेगा। साउथ जोन DCP साई चेतनिया के अलावा दीगर DCPs भी इस मौके पर मौजूद थे। రాష్ట్రానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ బోనాలు చాలా బెంగళూరులో కొనసాగుతున్నారు. మార్నింగ్ నుంచి చాలా భక్తాలు వచ్చిపోయారు, ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు. మన పోలీస్ బందోబస్తు కూడా బాగా చక్కగా ఉన్నది. ఆల్ ప్రతి చోట్ల సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ కూడా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. బ్యారికేడింగ్లో బోనాలు తీసుకొచ్చినటువంటి భక్తుల గురించి, ప్రత్యేకంగా మహిళల గురించి భద్రతకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా సహజంగా సజావుగా దర్శనం జరిపించాలని దాని గురించి కూడా అన్ని బందోబస్తు ఉంది. ప్రత్యేకంగా కొన్ని స్పెషల్ టీమ్స్ కూడా మనం రిజర్వ్లో మీరు చూస్తున్నారు, వెనకే క్యూఆర్ టీమ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు वुमेन पावर फिटनेस क्लब वाक़े मोगलपुरा की जानिब से अपने ख़याम की पहली सालगिरह पुरजोश अंदाज में मनाई गई। इस तकरीब में मजलिसी कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना और कराटे स्टार सईदा फलक ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर सोफिया हुसैन ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और फिटनेस के लिए उनकी जानिब से चलाई जा रही मुहिम के बारे में भी तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेहमानान ने भी मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। आज मुगलपुरे में वुमेन पावर फिटनेस क्लब का एक साल पूरा हुआ है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं खालिद भाई, सोफिया मैम और सभी ट्रेनर्स और पूरी टीम को वुमेन पावर फिटनेस क्लब की मुबारकबाद देती हूँ। काफ़ी अच्छा जिम है और बहुत सारे जिम्स होते हैं जहाँ पे यूनिसेक्स जिम्स में लेडीज़ टाइम सिर्फ 2 to 5 रहते हैं, तो काफ़ी कम टाइम मिलता है लेडीज़ को, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से उसकी वजह से ज़्यादा लेडीज़ जिम नहीं जा पाते रेगुलरली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा जिम है, ये एरिया में लेडीज़ जिम स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि सुबह से रात तक लेडीज़ को टाइम है जिम जाने के लिए, क्योंकि फिटनेस और हेल्थ मेंटेन करना सभी के लिए बहुत, तो हर एक को अटेंड करना चाहिए। आजकल योगा एक्सरसाइज सब चीज़ ज़रूरी है आपका हेल्थ को फिटनेस बराबर करने के लिए। बिल्कुल, औरतें अक्सर बाहर नहीं निकलते, इसकी वजह से काफ़ी वो हो जाते। तो मैं चाहूँगी कि जनाब सबको गुजारिश करूँगी, आइए आप यहाँ पर एक बार देखिए, पहले देखने के बाद आपको खुद महसूस होता कि क्या यहाँ पर है इक्विपमेंट पूरा, किस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए ज़रूर इंशाल्लाह, और एक बार ये पूरा एक साल कम्प्लीट होने की वजह से मुबारकबाद देती हूँ मैडम को कि सब बहुत अच्छे से करे हैं। और एक साल जलपली म्यूनसिपलिटी में वाक़ उस्मान नगर के बुरहान खान चेरू और रॉयल कॉलोनी के गुरहम चेरू की साफ़ सफाई के सिलसिले में म्यूनसिपल अहदेदारों को खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। चीफ इंजीनियर धर्मा, रीजनल डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर वाई सुदर्शन ने मस्कुरा तालाबों का तफसीली मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत भी जारी की। बर क्या है बुरहान खान का 2020 में जरा एक एक्सपीरियंस है, हम लोग क्या करना बोल के सोच के हमारे इसी हिसाब से डिस्कस करके कैसा डिप्लीट करना वाटर को। मेन क्या है क्या बोलते हैं उसको,
प्रॉब्लम हाउसेस में प्रॉब्लम नहीं होना, पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होना बोल के वो एक एक थीम लेके आए थे। बट एज फॉर दैट थीम वी हैव कंस्ट्रक्टिंग हियर, वी आर डिगिंग हियर ए ट्रेंच, फ्री फ्लो ऑफ स्लूज में फ्री फ्लो होते रहना। कब तक? नेक्स्ट अगस्त 5th तक और अगस्त 15th तक वैसा करें तो देन वी विल मेंटेन दी FTL लेवल आल्सो। ओके सर, हमारा ये है, आप भी, आप लोगों भी, मीडिया फ्रेंड्स भी, पूरे पब्लिक को एडुकेट करो जरा, ये बारिश हो सख्त बाहर नहीं आना बोल के, थोड़ा हमारे को ये ऑल डिपार्टमेंट तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सपोर्ट करो आप लोग अभी। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा ने बालापुर में MA पॉलीक्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में इंसानी हकूक कमीशन के रुकन मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। डॉक्टर मोहम्मद रजीउद्दीन रहमत ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। अपने गरीब भी लोगों को साथ रखेंगे। डॉक्टर मोहम्मद रजीउद्दीन रहमत, अल्लाह के फल से आज एक छोटा सा दवाखाने का आगाज़ हमने किया है। इसमें खिदमत खल्क का जज्बा लेकर हमने ये काम किया है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दवाखाने को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और जो लोग बीमार हो उनके लिए हमको अल्लाह तबारक व तआला शिफा का सबब बना दें और हम उनकी खिदमत का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमा दें। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि इलाज में भी जितना मुमकिन हो सके हम कम करें और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों की जितना मुमकिन हो सके उनको दवाओं में भी रियायत की जाएगी। और मैं आज का इस प्रोग्राम में हमारे जो भी चाहने वालों ने शिरकत की है मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और खूसन हमारे मोहतरम इरफान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमारी इस मुख्तसर सी तकरीब में तशरीफ़ लाकर हमारे साहिबजादे की हिम्मत अफजाई फरमाई है। अल्लाह आप हमारे इस काम को कबूल फरमाए और हमारे डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह शिफा अता फरमाए और इस काम को लेकर जो हम जो आगे बढ़ रहे हैं इसमें हमारी अल्लाह मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। लक्ष्मी दुर्गा हॉस्पिटल वाक़े BN रेड्डी नगर कॉलोनी में BTEC 30 साल की तालबा की मौत वाक़े हुई। वंसलीपुरम पुलिस के मुताबिक हॉस्टल की तीसरी मंजिल से रमैया गिरकर फौत हो गई। रमैया वनपर्ती की मुतवतिन बताई गई है जबकि बादस पोस्टमार्टम नाश को विरसा के हवाले किया गया। मोहम्मदिया कॉलोनी रेजिडेंशियल एसोसिएशन पहाड़ी शरीफ की जानिब से तकमील करवाए गए टेलरिंग कोर्सेज की इनामी तकरीब मुनक़िद हुई। TRS यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने इस तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और सिलाई मशीनों के अलावा सर्टिफिकेट्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान बशमुल मोहम्मद हमीद खान प्रेसिडेंट के अलावा दीगर ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। मस्कुरा एसोसिएशन कोर्स की तकमील पर मुफ्त सिलाई मशीन भी तकसीम करती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की आजादी में उर्दू सहाफत का अहम रोल, जंग आजादी में हिस्सा ना लेने वाली शख्सियात को बड़ा चढ़ा कर पेश करने की मजम्मत, जश्न उर्दू सहाफत से मुखर्रीन का खिताब। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार और जुलूस के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त, आला अहदेदारों ने बंदोबस्त का लिया जायजा। सियासी कायदीन भी लाल दरवाजे में वाक़ मंदिर पहुंचे। BN रेड्डी नगर कॉलोनी वनसलीपुरम में BTEC साले सुवम की तालिबा तीसरी मंजिल से गिरकर फौत, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात।
नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।